मुजफ्फर साहब आप भी आइए आगे। आपके हाथ हमारे हाथ है। तो एक इंस्पिरेशन है यहाँ पे, अगर कोई भी किसी स्पोर्ट्स में आगे जाता है वो कोशिश करता है मैं कैसे हूँ बेकैसे अपने से तक। तो ऐसे नौजवान हमारी सोसाइटी के लिए हीरो है, इंस्पिरेशन है, जो चाहते हैं जो मैंने सीखा है मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, अपने छोटे भाइयों को सिखाऊं, बहनों को सिखाऊं। तो आज जो ये जो हॉल है, मैं आबिद साहब को शायद करेक्ट करना चाहता हूँ, ये कम्युनिटी हॉल था बेसिकली जो मैंने सुना है, और एक काफ़ी टाइम से डिफंक्ट था। यहाँ पे हमें काफ़ी शिकायतें आती थी कि कुछ लोग शाम को यहाँ पे ड्रग्स करते हैं, काफ़ी शिकायतें आई। तो हमने कोशिश किया इसको टेम्परेली ये हम हॉल यहाँ पे ये बच्चों को सिखाएंगे, और अभी अभी जो मैंने सुना है इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने अपोजिशन स्टार्ट की है, ये कैसे दे सकते हैं। तो मैंने बोला इनको, मैंने इनको हॉल हैंड ओवर नहीं किया, खाली सीखने के लिए यहाँ पे इनको बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए। कोई स्ट्रक्चर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए, फिर हमारा यहाँ पे होना कोई फायदा नहीं है। ये मैं आप कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बड़ी कंप्लेने अभी से मुझे फोन आए हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर कुछ लोग इस चीज को भी अपोषण करते हैं फिर वो अपने गिरेबान में देखिए फिर वो करना क्या चाहते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और खासकर पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, जो चाहते हैं उनको इतना ही नहीं है कि इससे आजकल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जॉब उसमें इंसान को मिल सकता है, लेकिन एक बच्चों में एक डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है बचपन से, और ये स्पोर्ट्स है, गेम है जिसमें बच्चों को बचपन से डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। और जो हमारे ट्रेनिंग्स या हम कहते हैं इसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो मुशरफ स्कूलों में भी सिखाता है, तो मैं कोशिश करूँगा सारे ओल्ड टाउन के बच्चे जो है हमारे हैं, या मैंने देखा है कि कुछ तो शेरी से भी आते हैं कुछ बच्चे, कुछ तो सुपौर से आते हैं, तो मैं चाहूँगा और यहाँ पे बच्चे सीखें, और इंशाल्लाह ताला जब तक हम कोई परमानेंट इनका इंतज़ाम करें, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे वो अपने टैलेंट का मुजाहिरा करें।
अपने बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, खासकर अपने बच्चों को जो हमारी बेटियां हैं। आप लोगों को पता है कि एक बेटी को क्या क्या सहना पड़ता है। अगर आप चाहो तो आप एक सुपर बेटी बन सकते हो, सुपर बहन बन सकते हो, सुपर माँ बन सकते हो, और अपने एरिया के सुपर एक जैसे एक हम कह रहे हैं जैसे आयरन लेडी, वैसे आप बन सकते हो। मगर अगर आप अपने पहले अपने माँ बाप का कहना मानोगे, अपने उस्ताद का कहना मानोगे, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ये कभी नहीं सोचोगे कि कोई मुझसे आगे चला गया या मैं इससे आगे जाऊंगा। वो नहीं करना, अपने काम पे फोकस करना है कि मुझे अपना लक्ष्य कैसे जीतना है, मुझे आगे कैसे जाना है। ये नहीं सोचना कि ये कभी नहीं करना किसी फोटो में आ जाओ, किसी वीडियो में आ जाओ, बस उससे मैं खुश हो जाऊं, वो नहीं करना। अपने काम पे फोकस करना, आगे बढ़ना है। ये चीज करना कि आपका माँ बाप जो है, आपके टीचर जो है, आपके जो आपके एरिया में रहते हैं, वो आप पे फख्र महसूस करना चाहिए कि ये हमारी बेटियां हैं और ये हमारे बेटे हैं। हर हमेशा मेहनत करो, आगे बढ़ो और गलत कामों से दूर रहो। क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर चल रहा है सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, लड़कियां इसमें ज्यादा ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है वो मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट के जरिए ये किसी भी हद तक कहीं भी किसी भी जगह अपने लिए सेल्फ डिफेंस कर सकती है। इसलिए हमारा प्रोग्राम है सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। इस साल हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का किया है, इस एकेडमी से डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूरा सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हुआ। 730 स्कूल्स में हमने सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम किया और ये इस बारामूला का एक बहुत बड़ी शान है। बात ध्यान से सुनना बच्चों कि आप लोगों की जो जर्सी है जिस पे बारामूला लिखा है, ये बारामूला से होके J&K तक पहुंचना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन इस J&K की जगह इंडिया लिखा होगा। आप लोग बारामूला से होकर कश्मीर को इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिया को पूरी कंट्री में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये जो कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल वो होता है जहाँ पे कम्युनिटी को कोई फायदा मिले, और यहाँ पे काफी टाइम से ये डिफंक पड़ा था। यहाँ पे शिकायतें थी, यहाँ पे शाम को कुछ लोग इसमें ड्रग्स करते हैं, बहुत सारी शिकायतें आई। तो हमारे यहाँ ओल्ड टाउन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे ओल्ड टाउन के बच्चे खेल सकें, तो इस तरह का जो इंडोर स्पोर्ट्स होता है। तो हमारा एक बच्चा है मुशरफ कयूम करके, जिसने नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद भी एक छोटा बच्चा है, कॉलेज में पढ़ता है, और इसके साथ साथ ही अपने बच्चों को सिखाना चाहता है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, इनको सिखाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी प्रमोट करना, जिस तरह से हमें हमारा जो कोई एसेट है अगर वो किसी को यूज करने के लिए हम दें। हालांकि मैंने इनको बोला इट्स अ टेम्पररी स्पोर्ट्स क्लब जब तक कि हम कुछ देखें आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग अपने बच्चों को कोई जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं चाहे खेल कूद के लिए, फिर हमारा क्या रोल है उस हिसाब से एज अ सिटीजन, नहीं कि एज अ प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला, ना कि एज अ पॉलिटिशियन, बट एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ बारामूला। अगर कुछ बच्चे आते हैं, मुझे इतने बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कहते थैंक यू सो मच आपने ये किया आपने वो किया, तो मुझे अच्छा लगता है अगर छोटा सा बच्चा सीखता है कहीं पे, और मुझे नहीं लगता इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हालांकि ऑलरेडी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी एक ये प्रॉब्लम है कि अगर कुछ अच्छी चीज से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो फिर इनको अपनी गिरेबान में देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो किस लिए निकले हैं। तो मेरी कोशिश है जब तक मैं हूँ बारामूला, चाहे म्यूनसिपल प्रेजिडेंट हूँ, रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन एज ए कॉमन ह्यूमन बींग, और मैंने जो मेरी NGO चलती थी पहले ग्लोबल यूथ फाउंडेशन, तब से हमने कोशिश की है कि हम जो अपने नौजवान बच्चे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो।
तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए हम इन बच्चों का हौसला अफजाई करें। हमारा हमारा मकसद होना चाहिए इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ना कि इन बच्चों को हम अगर कहीं पे स्पेस दे रहे हैं उनको शिकायतें करें, हाँ जी इसने जी स्ट्रक्चर ही किसी को दे दिया। आप देखिए 5 साल 2 साल पहले 1 साल पहले किसी को पता भी नहीं था यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का। तो मेरी कोशिश ये है कि जब तक मैं म्यूनसिपल काउंसिल में रहूंगा या मैं रहा हूँ, मेरी कोशिश थी एक म्यूनसिपैलिटी के काम को विजिबल करने की और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है म्यूनसिपैलिटी के म्यूनसिपैलिटी के लिए, तो आने वाले लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत है और हमें लोगों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, जो भी मुझसे हो सकता है आई विल ट्राई माई बेस्ट, चाहे किसी भी फ्रंट पे इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इनका टैलेंट शोकेस करा सकूं। तो सब आपने कहा कि प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, बेसिकली कहीं किसी यहां से मुझे मेरी कोई अपोजिशन ने शिकायत की है, ये हॉल सपोर्ट्स कहीं को दे रहा है किसी को दे रहा है, ये दे विल पे एज पर जो भी हम इनसे पैसा लेंगे मंथली या कुछ। तो मैं कोशिश मेरी ये है, देखिए हम नौजवान हैं, मैं खुद एक नौजवान और मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा नौजवान किसी गलत रास्ते पे जाए। मैं अगर मेरी कैपेसिटी में मैं उसको कहीं पे उसको हाथ पकड़ के उसको कहीं ले जाता हूँ सिखाता हूँ तो मेरे लिए वो फख्र की बात है। मुझे ना मैं किसी से डरता हूँ ना मुझे किसी से कोई परवाह है, चाहे कोई कुछ भी करे करने दे। जैसे कि हमने देखा है अगर हम खास करके कश्मीर सोसाइटी की बात करें तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो लड़कियां जब खास करके स्पोर्ट्स में जाती है, अभी हमने काफी लड़कियां मार्शल आर्ट्स में देखी, तो घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है इस चीज को अभी भी निगलेक्ट किया जाता है। अगर वो लड़की है तो ये चीज नहीं कर सकती है, लड़का है तो कर सकती है, खास करके कश्मीरी सोसाइटी में। तो सर इसके अलावे से आपकी क्या? देखिए खुशी की बात ये है, यहाँ पे आपने लड़कियों को देखा मार्शल आर्ट में जो डेमो दे रहे थे, उनकी पेरेंट्स उनके साथ है, तो ये चेंज है, ये विजिबल है ये चेंज। ऐसी कुछ फैमिलीज है जहाँ पे नहीं अलाउ करते, बट बारामूला में हमने ये देखा है अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं। आपने देखा कितने पेरेंट्स वहां पे थे अपनी बच्चियों के साथ हैं। अगर कोई बच्ची चाहती है वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, मार्शल आर्ट में जाए, कराटे में जाए या बाकी जो स्पोर्ट्स होता है, तो मुझे लगता है कि फैमिलीज का बड़ा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कोई भी माँ या कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसका बच्चा किसी ऐसी चीज में जाए जहाँ पे उसको पछताना पड़े। तो अगर अपना बच्चा आपको स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, आर्ट्स में, किसी में भी जाना चाहता है, उसका रुझान होगा किसी चीज में, फैमिली को भी चाहिए सपोर्ट करना। और हम जैसे लोग जो निकले हैं लोगों के लिए और हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए कोई स्पेस प्रोवाइड कर सके। और हमारे छोटे से उस्ताद एक हैं मोहम्मद साद भट्ट, सही बाबा, छोटा पैकेट बड़ा लगा था छोटा सा अब्दुल रकीब इस खुशी के हम अपना एक जो हमारा कोच है यहाँ पे मुशरफ खानी वेरी थैंकफुल काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और हमारे टीचर उसका जो अशरफ खानी है उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है इसके उनके जैसे एक्सट्रीमली वेरी हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो अभी कोरिया से इसके लिए ब्लैक बेल्ट की डिग्री आई हुई है वेरी कंसिस्टेंट वेरी डेडिकेटेड He's a champion of our academy. Please give a round of applause for him. Mr. Mumin, thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.